जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे। आहा, अब सुनिए। तू जो ख्वाबों में भी आ जाए तो मेला कर दे, गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे। अगर बात सही हो और ये लगे कि नीरज जी ने बात सही कही तो मुझे भरपूर तालियां चाहिए आपके। गम के मरुथल में भी बरसात का रेला कर दे, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, याद वो है ही नहीं आए जो तन्हाई में, तेरी याद आए तो मेले में अकेला है, है। क्या बात है, मेले में अकेला कर दे, क्या बात है। दोस्तों, मैं बहुत सारे NITs में गया हूँ, जो फैकल्टी होती है, डायरेक्टर होते हैं, वो पता नहीं कौन सा आवरण ओढ़ के बैठे रहते हैं और तालियां नहीं बजाते। मैंने पहले निदेशक महोदय देखे हैं जो तालियां बजा रहे हैं हमारी कविताओं पर। और जब ऐसे निदेशक सामने बैठे हो तो दिल अंदर से कहता है कि सर आप भी बैठिए प्लीज। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मोबाइल से रिकॉर्डिंग करना बंद कर दीजिएगा, आपको सब यूट्यूब पे मिल जाएगा। आप रिकॉर्डिंग करके कल फिर अपनी महबूबा को भेजेंगे, वो फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे भेजेगा, कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको 100% दे रहा हूं, आप भी मुझे 100% दीजिए। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी। क्या बात है, मैं आपके अंदर डूब रहा हूं, आप मेरे अंदर डूब जाइए। आपके नाम ने ही बंद हिचकियां कर दी, धूप के होठ पे पानी की बदलियां धर दी। क्या बात है, बहुत प्यारा मुक्तक है, इसलिए प्यारी सी तालियां चाहिए मुझे। धूप के होठ पे पानी की बदलियां धर दी, हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम आए है, हर तरफ फूल है, खुशबू है, खुशनुमा मौसम। आपने जून के मौसम में सर्दी, क्या बात है, आपने जून के मौसम में सर्दियां कर दी, अद्भुत अद्भुत सुन रहे हैं आप। मैं प्रयागराज की NIT में गया था, इश्लेश ने मुझे बुलाया था, तो मैं सच कह रहा हूँ, जिसको मैंने मना किया वो बात बुरा मान गया। और आज बिटिया से मैंने कहा बेटा थोड़ा सा फोटोग्राफर बंद कर दे सामने पीछे से, तो उसने तुरंत मान ली मेरी बात, उधर बैठ गई। ऐसे बच्चे बड़े कम मिलते हैं, और जहाँ इतने अच्छे बच्चे हों, एक मुक्तक और, तो चार पंक्तियां आपको और सुनाता हूं। और जिस मुक्त आए है, जिस मुक्तक की ओफो, जिस मुक्तक के लिए श्लेष बार बार मुझसे उठ के कह रहे थे, वो मुक्तक आपको सौंपता हूं। क्या बात है, स्वागत है दादा। क्योंकि मैं जानता हूं कवि लोग एक दूसरे को दाद नहीं देते, लेकिन इस मुक्तक में मेरे सारे भाई मुझे दाद देते हैं। आपकी तो मिलेगी ही, मैं पढ़ता हूँ, स्वागत, ध्यान पूरा अटेंशन मेरी तरफ रखिएगा। स्वागत, अब आपके पास मेरे अलावा सुनने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गालिया होगा। बच्चों, तुम इतने अच्छे
अच्छे युग में पैदा हुए हो कि तुम्हें कवियों को सुनने के लिए कवि सम्मेलन सुनने की जरूरत नहीं है। तुम यूट्यूब के जमाने में पैदा हुए हो, एक क्लिक मारोगे सारे कवि सुनने को मिल जाएंगे। हमको पूरी पूरी रात कवि सम्मेलन में बैठ के कवियों को का प्रेजेंटेशन देखा है, तब इतना आ पाया है। क्या बात। मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गालिया होगा, मेरा मुक्तक मेरे लहजे में गालिया होगा, दर्द सुने मेरी तरह दबा लिया होगा। क्या कहने, कमाल की दाद दे रहे हैं आप। क्या कहने, कमाल की दाद दे रहे हैं आप। क्या कहने, दर्द सुने मेरी तरह दबा लिया होगा, वाह, उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा। क्या बात है दोस्तों, तैयार है ना अब आपको। उसकी तलखी में हुआ कैसे तरन्नुम पैदा, उसने गुस्से में मेरा खत चबा लिया। क्या बात है, क्या बात है। बस अब रहने दीजिए, बहुत ज्यादा हो जाएगा, मेरी मान जाइए बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं प्लीज रहने दीजिए, चल आखिरी सुना देते हैं। हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं, हमें कुछ पता नहीं है हम क्यों बहक रहे हैं। क्या कहने, रातें सुलग रही हैं, दिन भी दहक रहे हैं, जब से है तुमको देखा। देखिए मेरा इशारा कहीं भी नहीं है। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, ये एक्स स्टूडेंट हैं यहाँ के, एक्स की याद आई है। जब से है तुमको देखा हम इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे हैं। क्या बात है, तुम भी महक रहे हो। सच में आज इतना अच्छा लग रहा है आपके बीच में आके, मैं डर रहा था कि पता बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, अब रहने दो। दादा हमारे, चलिए आखिरी सुनाते हैं। दादा चौहान सर कह रहे हैं हमारे, गीत तक आ रही है। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं। मेरे बच्चों एक फिल्म बना रहा हूं देखो। बरसात भी नहीं पर बादल गरज रहे हैं, सुलझी हुई है जुल्फें और हम उलझ रहे हैं। वाह, दादा जिंदाबाद।